लोग हमांगनी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी ठीक होंगे। और आज से मैं वेडिंग सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं इसके लिए सुपर सुपर एक्साइटेड हूँ। होप आप सभी भी होंगे। और इस वेडिंग सीरीज़ में मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे शॉपिंग करनी, कैसे सेल्फ पैम्परिंग करनी, कैसे पैकिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो इन सीरीज़ को भरपूर प्यार दीजिएगा और जिन जिन भी पैसाओं की शादी है सभी के साथ ये सीरीज़ शेयर करिएगा। और ये सीरीज़ का हमारा फर्स्ट एपिसोड है जिसमें मैं आपके साथ में गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड और आप कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा चिट चैट काइंड ऑफ होगा जिसमें मैं आपको ऑप्शंस दूंगी कि आप किस किस तरीके की पोशाक्स खरीद सकते हैं, किस तरीके की आपको गोल्ड ज्वेलरीज खरीदनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हमारी राजपूत वेडिंग की बात आती है उसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है गोल्ड ज्वेलरी। क्योंकि हमारे राजपूत जो कम्युनिटी है और जो हमारा जो रिलीजन है उसमें गोल्ड को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और मोस्टली सभी गर्ल्स की लगभग अच्छे से गोल्ड की ज्वेलरीज उनके पेरेंट्स बनवाते हैं। सो गोल्ड एक बहुत सॉफ्ट टॉपिक है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरीज का ऑर्डर देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। फर्स्ट आप अपनी पूरी रिसर्च कर लीजिए, आपको एग्जैक्टली कौन सी डिज़ाइंस बनवानी है, वेदर आपको कुंदन में बनवानी है या पोलकी में बनवानी है या जड़ाऊ में बनवानी है या मोती में बनवानी है। तो आप पहले एक क्लियर पिक अपने दिमाग में ले आइए कि मुझे एग्जैक्टली इस ही पैटर्न में सारी ज्वेलरीज बनवानी है। उसके बाद में आप सारी ज्वेलरीज़ का डिसाइड कर ले कि मुझे कितने कितने तोले में जो होता है कितने कितने ग्राम में मुझे ज्वेलरीज़ बनवानी है। सो अगर आप ये चीज़ लेकर सुनार के पास में जाएंगे तो जो आपका बजट है वो अप डाउन नहीं होगा और आपकी जो ज्वेलरी है उसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मोस्टली भाईसाओं को कुछ ज्वेलरी के पीसेस पसंद नहीं होती है, जैसे किसी को पायल पसंद नहीं होती है। मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, मुझे पायल पसंद नहीं थी इसलिए मैंने अपने गोल्ड के पैर के कड़े बनवाए, लकड़ी गिफ्ट कर दी थी। तो मैंने उसके ऑल्टरनेटिव में मुझे टीके का बहुत ज़्यादा शौक था तो मैंने टीका बनवाया। तो इस तरीके से आप अपने रिलेटिव से डिस्कस कर ले कौन आपको क्या गिफ्ट करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ज्वेलरीज का ऑर्डर दें। तो उससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी नहीं होंगे क्योंकि ज्वेलरी एक गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आप उसकी डिज़ाइंस को चेंज करवाएंगे सुनार उसका कुछ परसेंट गोल्ड कट कर लेता है। बाद में हमें लॉस हो उससे अच्छा है कि हम पहले ही सारी चीज़ें क्लियरली डिसाइड कर लें गोल्ड ज्वेलरी का ऑर्डर देना है। जब हम ऑर्डर दे देंगे तो हमारा एक सिर का कहते हैं ना बोझ ख़त्म हो जाता है और फिर आपको दूसरी डिज़ाइंस देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। अपने माइंडसेट को एकदम प्रॉपर रखना है कि ठीक है मैंने जो डिज़ाइंस डिसाइड करी है वो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी डिज़ाइंस को देख के ऑर्डर देने के बाद में कंफ्यूज हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आप क्लियरली डिसाइड कर ले कि एग्जैक्टली आपको वही डिज़ाइंस चाहिए। जब मेरी शादी थी तो मैंने लगभग एक डेढ़ महीने तक रिसर्च किया था कि मुझे एग्जैक्टली कौन कौन सी डिज़ाइंस ज्वेलरी में बनवानी है और तभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं हुई। मैं फटाफट जाके अपना ऑर्डर दे के आ गई और वो ऑर्डर टाइम से कम्प्लीट हो गया। तो फर्स्ट चीज़ आपको यही करनी है क्योंकि ना गोल्ड ज्वेलरी बहुत हमारे जो रिलीजन में राजपूती कल्चर में गोल्ड ज्वेलरीज को सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और गोल्ड ज्वेलरीज लगती भी बहुत अच्छी है। तो इसी गोल्ड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो उसमें आप कुछ भी जल्दबाजी ना करें, आराम से अपनी डिज़ाइंस को सर्च करें और फिर ही ऑर्डर दें। चलिए तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है पोशाक।
तो पोशाक का जो चलन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है, कभी कुछ डिज़ाइंस चल रही होती कुछ कभी कुछ डिज़ाइंस चल रही होती हैं। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वैरायटीज़ ऑफ डिज़ाइंस मिलेंगी पोशाक की। आपको सिर्फ सर्च करना है कि आपको कौन कौन सी ड्रेसेस पसंद है, क्या क्या चलन में है, और कुछ ऑप्शंस मैं भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ड्रेसेस और कौन कौन से वर्क आजकल चलन में है। और जब मेरी वेडिंग हुई थी उससे पहले कोरोना चल रहा था तो मैंने अपनी मोस्टली शॉपिंग ऑनलाइन की थी, तो वही पेजेस मैं भी आपको रिकमेंड करने वाली हूँ कि आप कौन कौन से पेजेस से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और ये पेजेस जो मैं आपको बता रही हूँ पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल आंख बंद करके इन पेजेस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो सबसे पहला पेज है वो है रंगजरी, और ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक भी दे दूंगी। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन है पोशाक के, आप कटदानी ले लो, उल्टी कटोरी ले लो, डबका वर्क ले लो, रियल वर्क ले लो, रियल चंदेरी ले लो, या फिर गोटा पत्ती, मतलब उनके पास बहुत सुंदर कलेक्शन है। और वहाँ पर आप अपनी ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, तो वहाँ से आप कुछ कुछ ड्रेसेस परचेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस आप अपनी ड्रेसेस वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दूंगी कि इनकी बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। और नेक्स्ट जो मैं पेज आपको रिकमेंड करूँगी वो है माँ चामुंडा राजपूत करके हैं, और वेडिंग स्टोर बाय माया राजपूत, इनका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। वो भी बहुत सुंदर सुंदर अपनी ड्रेसेस का कलेक्शन रखते हैं। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो मेरा एक ऑरेंज कलर का जो बटवा वर्क का पोशाक है वो उन्होंने ही बनाया है, तो वो भी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन रखते हैं। तो यहाँ से ना आप अपनी ड्रेसेस को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, और अपना ऑर्डर आप अभी से प्लेस करेंगे जब ही आपकी शादी से पहले वो सारी ड्रेसेस बन के आएंगी, तो उनके पास में भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप उनके पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसकी सुंदर सुंदर बरी भी बनाते हैं, और अगर आपके पास में कोई डिज़ाइन है तो वो आप इन दोनों पेज को बता सकते हैं। और अगर आप रियल का वर्क बनवाना चाहते हैं तब भी आप रंगजरी से बनवा सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूंगी कॉटन की ड्रेसेस जो हम डेली में पहनते हैं, तो एक अमायरा क्लोज़ेट करके इंस्टाग्राम पेज है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जब शादी होने के बाद में जब आप डेली में ड्रेसेस पहनते हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने बहुत सारे सैटन के और क्रेप के कॉटन के भी ड्रेसेस स्टिच करवाए थे, लेकिन कंफर्टेबल जो ड्रेस होती है वो कॉटन की ही होती है, जिसमें मैंने जोड़ तो बहुत कम लिए थे और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर में डेली वेयर के लिए जोड़ ही लेने चाहिए, क्योंकि हम लोग न्यूली वेड्स होते हैं, उतने अच्छे तरीके से सारी ड्रेसेस को हम संभाल नहीं पाते हैं, तो कॉटन बार बार फिसलता भी नहीं है और अच्छे से आप उन्हें संभाल भी पाते हैं। तो ये जो अमायरा क्लोज़ेट है यहाँ से आप बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉक प्रिंट के फैब्रिक मंगवा सकते हैं, और ये बेडशीट्स भी अवेलेबल करवाते हैं, तो बहुत सारी गर्ल्स बेडशीट्स वगैरह भी खरीदती है, जैसे मैंने भी अपनी बेडशीट, ब्लैंकेट और पिलो कवर्स, कुशन, ये सारी चीज़ें अपनी वेडिंग में ख़रीदी थी, तो आप ये सारी चीज़ें उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। और भी उनके पास में डाइनिंग टेबल कवर्स वगैरह
सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो पेजेस मैंने आपको बताए हैं ये मेरे पर्सनली फेवरेट पेजेस हैं और ये बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आप एक बार इन पेजेस को ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि बहुत सारे पैसों के मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आपने शॉपिंग कहाँ से की, आप प्लीज़ हमें वो पेजेस बताएं। और जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने गई थी तब मुझे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था क्या पता ऐसा नहीं हो, फ्रॉड हो, मेरे पैसे लेकर मुझे ड्रेसेस दें या ना दें। लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार परचेस करके देखें, और मैंने सच में परचेस किया और मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मेरी मोस्टली शॉपिंग वेडिंग की मैंने ऑनलाइन ही की। उसके बाद में जो मैंने ऑफलाइन कुछ ड्रेसेस की और मेरे पर्ले की जो हमने शॉपिंग की वो भिलवाड़ा से की थी, जो मेरे इन-लॉज ने की थी। वहाँ पे एक नाकोड़ा वाले की शॉप है, वो भी बहुत अच्छा कलेक्शन रखते हैं और उनके पास में भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप अगर जैसे मुझसे भाई साहब पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से ऑफलाइन कहाँ से शॉपिंग की, तो मैंने कोई जोधपुर जयपुर उदयपुर कहीं से शॉपिंग नहीं की, मैंने भिलवाड़ा से ही शॉपिंग करी थी। सारी जो भी मेरे पर्ले की पोशाकें हैं वो भी भिलवाड़ा से ही हैं, और वहाँ पे जो नाकोड़ा वाला है उनके पास में बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। वो रियल वर्क की ड्रेसेस भी बनाते हैं। मेरे पर्ले में 2 दिन रियल वर्क की भी पोशाकें थी, तो वो वहीं से थी। और आप वहाँ पे भी जाके सारे सिंपल सूट, पोशाक, रियल वर्क, साटन, डेली वेयर, मतलब सारी चीज़ें आप वहाँ से करवा सकते हैं। और वो ओढ़नी वगैरह सारी चीज़ें जो नॉर्मल डाई करवाते हैं वो करवाते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। उसके अलावा यही सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाह रही थी। और धीरे धीरे आपकी जो भी ड्रेसेस हैं उनको स्टिचिंग पे आप एक साथ देंगे तो भी टाइम लगेगा, तो आप अपनी ड्रेसेस को भी स्टिचिंग पे देना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में आती है मेकअप की बारी। ये हो गया हमारा ड्रेस और गोल्ड ज्वेलरीज का हो गया। उसके बाद में आती है हमारी मेकअप की बारी। तो मेकअप में भी बहुत सारी बाइसाओं को बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं होता है, और बहुत सारे बाइसाओं को अच्छे से रेडी होना, मेकअप करना पसंद होता है। तो उसके लिए भी जो ऑनलाइन आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, आप सभी को पता है नायका। तो अभी नवरात्रि आने वाली है और दिवाली आने वाली है, तो यहाँ पे मोस्टली सेल होते ही हैं। तो आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है जो जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, और मैंने एक ब्राइडल किट भी के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ जाके वो वीडियो देखिए और जो जो चीज़ें आपको पसंद आ रही है उसकी एक लिस्ट बना के जैसे ही सेल आती है आपको तुरंत से ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपनी मोस्टली शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको फुटवेयर चाहिए, मुझे मैंने फुटवेयर कुछ ऑफलाइन लोकल स्टोर से ख़रीदे थे, और कुछ मैंने एक और इंस्टाग्राम पेज है जूती देखो, वहाँ से बहुत सारे फुटवेयर्स मंगवाए थे। उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आपने देखा होगा हल्दी वाले दिन मैंने जो एक वर्क वाली जरदोजी वर्क वाली जूती पहनी थी उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए थे कि आपने वो जूती कहाँ से ख़रीदी। तो वो मैंने एक ऑनलाइन पेज है जूती देखो, वहाँ से ऑर्डर करी थी। तो ऐसे ही आप घर बैठे बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, और बिना किसी टेंशन के। आपको सिर्फ अच्छे से प्लानिंग करनी है कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चाहिए, और आप अच्छे से मैंने जो जो भी पेज आपको रिकमेंड करे हैं वहाँ से आप अपनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो और ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रही होंगी। और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनकी शादी होने वाली है, और यही सारी चीज़ें में जो लड़के हैं जो पर्ला लेने जा रहे हैं या फिर पर्ले की ज्वेलरीज ऑर्डर करने वाले हैं, उनके लिए भी सेम यही टिप्स है कि आप जो गर्ल है उनसे बात कर लें, जो भाई साहब उनसे बात कर लें, उन्हें क्या पसंद है आप उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए कि उन्हें किस पैटर्न की ज्वेलरीज चाहिए, और उसी पैटर्न की, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सारी
ज्वेलरी जो भी पहनेंगी वो बाइसा ही पहनेंगी, तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिए कि एग्जैक्टली उन्हें किस पैटर्न की ज्वेलरी चाहिए, और परला जो है वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब आप परला नहीं पूछते, अपने मन से परला लेकर आते हैं, तो जो उन्होंने ड्रेस खरीदी होती है और जो परला में आती है वो कलर कॉम्बिनेशन मोस्टली मैच, जैसे मेरे जो इन लॉज हैं उन्होंने मुझसे पूरा जो हमारा परला है, ज्वेलरी, हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया, तो उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मेरे पास पर्टिकुलर हर कलर की पोशाक है, तो उससे जो कलर मैच नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं हुई, तो ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। और आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और अगर आपको पसंद आया तो आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनकी भी वेडिंग होने वाली है, भाईसाहब की वेडिंग होने वाली है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो खमागनी एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।